आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन में आम लोगों के लिए पुलिस देवदूत बन गई है। दिन रात ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर जिले के देहात थाना क्षेत्र के बांकड़े मंदिर के पास से आ रही है, जहां रविवार सोमवार की दरमियानी रात करेरा से लौट रहे बेराड़ निवासी ट्रक ऑपरेटर सम्मी खां पुत्र नवाब खां निर्माणाधीन 15 फुट गहरे सीवर के गड्ढे में गिरे होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए डायल 100 और देहात थाना पुलिस के जवानों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ऑपरेटर सम्मी खां को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती बेराड़ निवासी समी खान ने बताया कि मैं अपने ट्रक ड्राइवर कल्लन के साथ रात में करेरा से बेराड़ लौट रहा था, तभी बांकड़े मंदिर से आगे चलकर ट्रक का डीजल खत्म हो गया। समी खान ने डीजल के लिए ड्राइवर पर रखे भाड़े के 20,000 रुपए में पैसे मांगे तो ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागने लगा। मैं उसे पकड़ने दौड़ा तो ड्राइवर कल्लन ने मुझे धक्का मारकर सीवर के गड्ढे में गिरा दिया और भाग गया। गड्ढे में घिरे सम्मी खां ने दूसरा ट्रक लेकर पीछे आ रहे अपने पार्टनर साबिर खां को अपने मोबाइल से फोन लगाकर पूरी घटना बताई, जिस पर साबिर खां ने मौके पर पहुंचकर पहले निर्माणाधीन सीवर के गड्ढे में गिरे सम्मी को निकालने का प्रयास किया। जब सफलता नहीं मिली तो डायल 100 पुलिस को फोन लगाकर सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सम्मी को सीवर गड्ढे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां सम्मी खां का उपचार किया जा रहा है। एक उसमें आराम आराम से आराम से इधर को ले लो खाइए। उठा के।